ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೇವೆಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಭಿಯಾನದ ಅವಲೋಕನ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತವಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್, ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ। माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के, किसानों के मसीहा के रूप में वो सब देखते हैं। लॉकडाउन की घोषणा के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले अगर कोई चिंता की तो देश के गरीबों की चिंता की। 1,70,000 करोड़ की घोषणा, उसके माध्यम से 80 करोड़ लोगों को अन्न देने की बात, उसके साथ साथ उनको दाल दिया गया, 20 करोड़ महिलाओं को उनके प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। इसके साथ ही 19 लाख लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया, जिससे गरीब कहीं परेशान न हो, त्रस्त न हो। 8,17,00,000 लोगों को जो किसान थे उनके अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए और 36 करोड़ टोटल अकाउंट में इस लॉकडाउन के अंतर्गत 55,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। यह प्रधानमंत्री जी की उदारता ही तो है। प्रधानमंत्री जी ने, आप सबको ध्यान होगा कि पिछले सप्ताह 50,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री रोजगार योजना की घोषणा की। इसके साथ ही अभी कुछ ही दिन पहले लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी उदारता को दिखाते हुए जो गरीब हैं उनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की, 90,000 करोड़ की अन्न योजना की घोषणा की और कहा कि 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा, 5 किलो अनाज, 1 किलो चना मिलेगा और यह लाभ दिवाली, दशहरा और छठ पूजा तक चलता रहेगा। वास्तव में प्रधानमंत्री जी का पूरे देशवासी अभिनंदन और वंदन करते हैं। पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता आज देश भर के आज डिजिटल प्रेजेंटेशन में जुड़े हुए हैं। मैं कार्यकर्ताओं के तरफ से और आम जनमानस की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और देश भर के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ, अपने स्थान से खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा अभिनंदन करें, वंदन करने माननीय प्रधानमंत्री। लॉकडाउन की घोषणा के बाद 25 मार्च को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने करोड़ों कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, उनको भोजन कराया जाए। फीड द नीडी के नाम से कार्यक्रम चला, उसके साथ साथ फेस कवर उनको वितरित किया जाए और अभी फेस कवर घर में बने। कोरोना योद्धा हैं, वह अपने काम कर रहे हैं, उनके लिए भी अभियान दिया कि उन कोरोना योद्धाओं के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए। इसके साथ साथ आरोग्य सेतु का ऐप डाउनलोड कराया जाए और पीएम केयर फंड में भी लोग अधिक से अधिक डोनेट करके प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ अपने को जोड़े। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिन प्रतिदिन रोज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की। लोग प्रदेशों से पूछते कि कितनी आपकी आपने सेवा के कार्य किए, क्योंकि सेवा के संगठन के सेवा ही संगठन इस भाव को लेकर चल रहे थे। हजारों की संख्या में वीडियो कॉन्फ्रेंस हुए। इस आज हमारे डिजिटल जो मीटिंग है इसमें हमारे राष्ट्रीय